गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एज यू नो योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स इज गोइंग ऑन दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आज स्टूडेंट्स हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे सबसे पहली जो टर्म है डिस्कस करेंगे दैट इज बिजनेस ट्रांसैक्शंस बिजनेस ट्रांसैक्शन क्या होती है देखिए स्टूडेंट्स बिजनेस ट्रांसक्शन क्या होती हैं? लिखा है कि एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेस फॉर कैश और ऑन क्रेडिट By the business with any other person is a business transaction. तो so business transaction क्या है sir business transaction कोई भी goods या services exchange करना cash के लिए या credit के लिए तीन या credit पे या cash पे ठीक है जो business करता है किसी और person के साथ उसको हम business transaction कहते हैं उसको हम business transaction कहते हैं सो बिजनेस ट्रांसैक्शन वो ट्रांसैक्शन हुई जहाँ पे हम डील करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का कैश के बेस पे या क्रेडिट के बेस पे मतलब या तो कैश लेंगे या उधार पे जो बिज़नेस कर रहा है किसी और पर्सन के साथ उसको हम बिजनेस ट्रांसक्शन कहते हैं तो ट्रांसैक्शन जो होती हैं ध्यान समझिए ट्रांसैक्शन्स जो होती हैं बेटा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है याद रखना ट्रांसक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्यों क्योंकि ये यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शंस की वजह से ये जो एसेट्स होते हैं या लाइबिलिटी होती है या कैपिटल होती है इनकी वैल्यूज़ पे फर्क पड़ता है ठीक है तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है वैल्यू चेंज हो जाती है क्योंकि ये एसेट्स की लाइबिलिटीज की या कैपिटल की ट्रांसैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे आप याद रखोगे कि इनकी वैल्यूज़ पे फर्क पड़ेगा एसेट्स uh, की लाइबिलिटीज या कैपिटल की क्योंकि पैसा आएगा जो जाएगा उससे हमारा एसेट बढ़ सकता है कम हो सकता है लाइबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं कम हो सकती हैं यदि कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा सो बिजनेस ट्रांसैक्शन क्या हुई सर बिजनेस ट्रांसैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरे को बताया क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रही है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पे हम परचेज ऑफ गुड्स कर सकते हैं ठीक है कैश रिसीव कर सकते हैं रिसीव कैश और चेक तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है फर्स्ट सेकंड बिजनेस ट्रांसैक्शन जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है इंटरनल भी हो सकती है ये एक्सटर्नल ट्रांसैक्शन भी होती है इंटरनल ट्रांसक्शन भी होती है एक्सटर्नल में टू पार्टीज के बीच में होंगी और इंटरनल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यहाँ पे कोई दो पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होंगी तो इंटरनल में कोई भी पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होगी तो हम बोलेंगे डज नॉट इन्वॉल्व टू पार्टीज डज नॉट इन्वॉल्व टू पार्टीज तो इंटरनल की एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो गया डेप्रीसीशन क्योंकि डेप्रीसीशन से क्या होता है गुड्स की वैल्यू कम हो जाती है ठीक है जो आपने गुड्स से जो कोई एसेट्स खरीदे आपने एग्जाम्पल ले लो आपने कोई मशीन खरीदी है तो उसकी वैल्यू हर ईयर कम होती रहती है ना उसी को हम डेप्रीसीशन कहते हैं ठीक है उसी चीज़ को हम कहते हैं डेप्रीसीशन तो डेप्रीसीशन जो होती है वो इंटरनल होती है तो एक्सटर्नल में कोई दो पार्टीज के बीच में हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं बिजनेस ट्रांसैक्शन क्वांटिटेटिव भी हो सकती है क्वालिटेटिव भी हो सकती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वांटिटी में मतलब क्वांटिटी so, में क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी ठीक है या परचेज एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स तो इससे क्या होगा ये क्वांटिटी चेंज होगी इसमें आपके गुड्स बढ़ेंगे या कम होंगे क्वालटिटिव में गुड्स कम ज़्यादा नहीं होते सिर्फ क्वालिटी चेंज होती है जैसे डेप्रिसिएशन होगी ये एग्जांपल आ गई क्वालटिटिव की फिर बिजनेस ट्रांसैक्शन जो होती हैं वो फाइनेंशियल नेचर होती हैं मतलब ये फाइनेंशियल नेचर होती हैं टू से यहां पर फाइनेंस पे फर्क पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की ठीक है तो एग्जांपल जैसे डेथ ऑफ डेटर डेटर की डेथ से आपकी फाइनेंस पे फर्क पड़ेगा वो पैसा रिकवर नहीं होगा तो इसमें फाइनेंशियल चेंज आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में डेटर होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है तो उसकी डेथ हो जाए तो फाइनेंशियल चेंज आ गई तो ये फाइनेंशियल नेचर होती है नॉन फाइनेंशियल नहीं होती ये सो आई होप आपको बिजनेस समझ आई होंगी नेक्स्ट बेटा कैपिटल कैपिटल वो अमाउंट हुआ जो बिजनेस में अपने या ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो हम कह सकते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस जो बिजनेस में ओनर अपना पैसा लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल ठीक है ओनर जो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही लगेगा अमाउंट की जगह कोई गुड्स भी हो सकते हैं ठीक है तो इट मे इन कैश और इसको लेते हैं इट मे इन कैश और इन काइंड मतलब कोई एसेट्स भी हो सकते हैं तो आपने याद रखना है कुछ एसेट्स भी हो सकते हैं इसमें तो वो भी हमारे क्या आते हैं वो भी हमारे कैपिटल में आते हैं जरूरी नहीं है कि वो आ, कैश ही लगाएगा जैसे कोई फर्नीचर आपने अपना फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया बिज़नेस में तो ये फर्नीचर क्या होगा ये भी कैपिटल में आ जाएगा क्योंकि आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया हुआ है सो जरूरी नहीं है कि कैश ही होगा ये किसी तरह का गुड्स भी हो सकते हैं कोई और काइंड चीज़ भी हो सकती है ठीक है तो कैपिटल का फार्मूला होता है एस एस माइनिस लाइबिलिटीज एस एस में लाइबिलिटीज माइनज करेंगे हमारे यहां कैपिटल निकल आएगा सो so ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना एस एस माइन लाइबिलिटी ये हो गया हमारा कैपिटल नेक्स्ट हमारे बेटा ड्रॉइंग ड्रॉइंग्स तो ड्रॉइंग्स क्या हो गया वो पैसा जो बिजनेसमैन विड्रॉल करता है पर्सनल यूज के लिए तुम तो लिखेंगे अमाउंट विड्रॉल बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज वो पैसा हम जो पैसा हम विड्रॉल करते हैं बिजनेस से और अपने पर्सनल यूज के लिए इसको यूज़ करें उसको हम ड्राइंग कह सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं ड्राइंग की जैसे सपोज करो आपने बिजनेस में कैश लगाई सिक्सटी थाउजेंड और फर्नीचर भी आपने दिया अपना ट्वेंटी थाउजेंड तो कैपिटल होगी आपकी एट्टी थाउजेंड ये दोनों अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए तो अब आपने क्या किया इसमें से फाइव थाउजेंड दिया। आपने क्या किया इसमें से फाइव थाउजेंड कर दिया पर्सनल यूज के लिए तो मैं बोलूंगी फाइव थाउजेंड जो होगी ना आपकी ड्राइंग होगी तो ये सिंपल वर्ड में पर ड्राइंग इसको बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट वन फिफ्थ पॉइंट सॉरी फोर्थ पॉइंट दैट इज लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी क्या होगी सर लाइबिलिटी एक किस्म का बिजनेस के ऊपर बर्डन हो गया बिजनेस ने किसी उधार लिया होगा उधार लिया होगा वो पे करना होगा तो इसको क्या करके कि कि किस्म का बर्डन है ये तो तो एक सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो आप लाइबिलटीज मीन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस ओड का मतलब होगा पेबल तो लाइबिलिटी क्या हो गया लाइबिलिटी का मतलब वो अमाउंट जो बिजनेस ने पे करना है तो बिजनेस किसी उधार लिया होगा वो पे करना होगा वो हमारे लिए क्या आ गई लाइबिलिटी आगी तो लाइबिलिटी वो अमाउंट होगा जो बिजनेस ने पे करना होगा लाइबिलिटी दो तरह की होती है एक होती है बेटा इंटरनल लाइबिलिटी एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी एक होती है इंटरनल एक होती एक्सटर्नल सपोज करो बिजनेस ने पैसा जो है ओनर से लिया हुआ है बिजनेस से पैसा जो है ओनर से लिया हुआ है उधार तो इसका मतलब वो इंटरनल लाइबिलिटी में आ गया अगर यही पैसा बिजनेस ने ओनर से ना लेकर किसी बाहर से किसी से लिया हो सपोज करो बैंक से लिया हो तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आ गया ठीक है तो इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटी ये होती है फिर तो उसके बाद फर्दर लाइबिलिटीज को अगेन क्लासीफाई किया गया हुआ है थ्री टाइप में एक होती है करंट लाइबिलिटीज एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक होती है क्वॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज करंट डायबिलिटीज वो डायबिलिटीज होती हैं जो हमें ट्वेल्व मंथ के अंदर पे करनी होती है ठीक है तो अमाउंट पेबल विद इन ट्वेल्व मंथ्स वो करंट डायबिलिटी होगी अमाउंट पेबल आफ्टर ट्वेल्व मंथ्स जो बारह महीने के बाद पे करनी होती हैं वो नॉन करंट डायबिलिटीज़ होगी करंट डायबिलीज वो लाइबिलिटीज होगी जो ट्वेल्व मंथ के अंदर पे करनी होती है नॉन करंट डायबिटीज़ वो लाइबिलिटीज होगी जो हमें ट्वेल्व मंथ के बाद बाद पे करनी होती हैं फिर कॉन्टेंट डाइबलिटीज़ वो लाइबलिटीज होती हैं जो पे करनी है कि नहीं करनी डिपेंड करता है फ्यूचर में मे और मे ट बिकम पेबल इन फ्यूचर इसको हम आगे फर्दर डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा आपको कॉन्टेंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं आपने फिलहाल याद रखना है कि कॉन्टेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो हम फ्यूचर में डिपेंड करता है कि अगर कोई सपोज करो कि आप पे कोई केस चल रहा है कोर्ट पे कोर्ट केस पेंडिंग है तो अगर आपके फेवर में रिजल्ट आ गया तो आपने नहीं पे करनी है अगर वो आपको फेवर में नहीं है तो आपको पे करनी पड़ेगी तो मे और मे नॉट बिकम पेबल इन फ्यूचर मे बी पे हो जाए मे बी नॉट पेबल हो जाए ये आपकी होगी लाइबिलिटीज नेक्स्ट आगे बेटा आपका फिफ्थ पॉइंट अकाउंट उंट के हो देखिए अकाउंट को सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ये एक रिकॉर्ड होता है ट्रांसैक्शन का ट्रांसक्शन का एक रिकॉर्ड होता है जो पर्टिकुलर एक हेड के बनाते हैं उसको ठीक है इसको, उसको हम अकाउंट बोलते हैं तो एक डाटा समरी समरी होती है अकाउंट की जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी खरीदी कोई एक्सपेंस है कोई इनकम्स हैं तो उनको एक पर्टिकुलर हेड के अर्डर लिख देंगे उसको हम अकाउंट बोलेंगे तो लिखूंगा इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसक्शन इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर आपने क्या कर देना है किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसैक्शन को लिख देना है उसी को हम अकाउंट बोलते हैं जैसे कि सपोज करो अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह का होता है ध्यान समझिए माउंट लेजर फोलियो परटिकुलर डेट अमाउंट पर्टिकुलर डेट लेफ्ट साइड साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है राइट साइड क्रेडिट साइड होती है जैसे आपने मशीन अकाउंट बनाना है तो इस तरह अकाउंट बनाएंगे तो सारी जो मशीन की एंट्रीज होंगी जो मशीन जो जो खरीदी होगी जो भी होगी ठीक है वो सारी इसे अकाउंट में डाल देंगे हम तो अकाउंट ये होता है इसको हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम बेटा जो है दैट इज एसेट्स एसेट्स आप कैसे सोचते हो वो सारी चीजें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं वो एसेट्स होती हैं ठीक है थीके? वो सारी चीज़ें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं वो एसेट्स होती हैं जैसे मेरे पास ये टैब है जिसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा तो ये मेरे लिए एसेट्स हो गया सो so, एसेट्स को मैं कह सकता सिंपल वर्ड में एन एसेट्स इज एनी फिजिकल वैल्यू या फिजिकल ऑब्जेक्ट सॉरी फिजिकल ऑब्जेक्ट है ठीक है ऐसेट्स इज दर एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट और राइट है मनी वैल्यू तो एसेट्स क्या हो गया कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या राइट जिसकी कोई मनी वैल्यू हो फ्यूचर में ठीक है उनको हम एसेट्स कहते हैं तो फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं याद रखना वो टेंजिबल होते हैं उसको हम टच कर सकते हैं और जो राइट right होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते ये इंटेंजिबल होते हैं उनको टच नहीं कर सकते तो एसेट्स वो सारी चीजें होगी जो फ्यूचर में बेनिफिट देंगी वो हमारे एसेट्स होंगे एसेट्स अगेन बेटा तीन तरह के आ जाते हैं फर्स्ट हो गया बेटा देखिए नॉन करंट एसेट। सेकेंड हो गया करंट एसेट। वो थर्ड हो गया बेटा हमारा फिफ्टी एसेट देखिए बेटा नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है बेनिफिट जो होता है बेटा लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है उसको जो हम जल्दी नहीं बेचते ठीक है, है जिसको मॉडर्नरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते हैं इनका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन के लिए मिलता है लॉन्ग टर्न के लिए मिलता है वो हमारे करंट एसेट्स में आते हैं ठीक है नॉन करंट में आते हैं सॉरी नॉन करंट में एग्जाम्पल जैसे लैंड और बिल्डिंग होगी प्लांट एंड मशीनरी हो गया फर्नीचर हो गया तो ये हमारे नॉन करंट एसेट्स में आते हैं ठीक है नॉन करंट एसेट्स में बेटा अगेन दो टाइप आ जाती हैं एक टेंजिबल एक इनटेंजिएबल टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं एक टेंजिबल होते हैं एक इनटेंजिबल टेंजिबल को हम टच कर सकते हैं या सीन है। कर सकते हैं देख सकते हैं टच कर सकते हैं इनटेंजिबल को बेटा आप टच नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट टच टच नहीं कर सकते ठीक है इनटेंजल की एग्जाम्पल होगी गुडविल पेटेंट राइट ये हमारी आई होगी टेंजिबल में आप कुछ भी लिख सकते हो व्हीकल हो गया मशीनरी होगी ठीक है व्हीकल हो गया मशीनरी होगी ये हमारी टेंजिबल टेंजेबल में आ गए। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन वन ईयर कन्वर्टेड इंटू कैश विद इन ट्वेल्व मंथस बारह महीने के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं ठीक है इसमें एक और याद रखना करंट एसेट्स में एक लिक्विड एसेट्स भी आ जाते हैं लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब दो तीन महीनों में टू तो और थ्री मंथ्स वो मेरे लिक्विड एसेट्स आते हैं ठीक है तो आपको एक चीज याद रखनी है कि लिक्विड और कैश लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मगर करंट एसेट्स में को टाइम लग जाता है कैश में कन्वर्ट होने के लिए लिक्विड वेरी फास्टली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं अब लिक्विड एसेट्स की एग्जाम्पल लिख लो जैसे आपकी कैश इन हैंड कैश एट बैंक तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये हमारी लिक्विड एसेट्स में आती है याद रखना ऑल लिक्वल लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स सारे लिक्विड एसेट्स जो होते हैं वो करंट एसेट होते हैं बट ऑल करंट एसेट्स और नॉट लिक्विड एसिड्स, नॉट लिक्विड याद रखना सारे लिक्विड जो होते हैं करंट एसिड्स होते हैं मगर सारे करंट लिक्विड एसिड नहीं होते सो आई होप आपको ये समझ आया होगा अब देखिए फिक्टीशियस एसेट्स इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू तो समझाता हूँ आसानी से समझ आ जाएगा आपको देखिए लिखते हैं ध्यान से समझिए बेटा इसको इंपॉर्टेंट है फिक्टिशियस एसेट्स अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं सर ये वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते विच डू नॉट विच डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म तो कि कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती ठीक है ये इमेजिनरी होते हैं इमेजिनरी मैं बताइए ये इमेजिनरी होते हैं एन नियर आर बाई ये इमेजनरी होते हैं ये इसकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती ये इमेजनरी होते हैं जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं एडवरटाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट की एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो आपने टेन करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करवाई सपोज किया जाए टेन करोड़ की तो आपने एडवर्टाइजमेंट कराई आपको लगता है कि टेन करोड़ ना मेरे को फाइव ईयरस तक बेनिफिट देगा सपोज को टू करोड़ का फर्स्ट ईयर देगा टू करोड़ का सेकंड करोड ईयर देगा टू करोड़ का थर्ड ईयर देगा टू करोड़ का फोर्थ ईयर देगा टू करोड़ का फाइव फिफ्थ ईयर देगा ये मतलब आपने इमेजिन कर लिया कि ये पैसा हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा तो ये टू ईयर का फर्स्ट ईयर देगा टू ईयर का सेकेंड ईयर देगा तो जब आपको तो फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हुआ यहाँ पर अब आप इमेजिन करते हो कि ये जो आगे वाले पैसे हैं ना ये हमें बेनिफिट देंगे क्या देंगे अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मैटर नहीं करता मगर आपको लगता है कि हमें बेनिफिट मिलेगा तो इसी पैसे को हम क्या कहते हैं आगे आगे जो आठ करोड़ जो आपको बचा इसी को हम फिफ्टी एसेट बोलते हैं अगर सपोज करो ये ईयर भी खत्म हो गया अब आपको लगता है अगले तीन साल है वो हमें बेनिफिट देंगे दो करोड़ दो करोड़ छः करोड़ का तो सिक्स करोड़ आप क्या करोगे फिफ्टी से एसेट आ जाओगे तो ये होते हैं हमारे फिफ्टी से एसेट्स ठीक है देखिए बेटा नेक्स्ट दैट इज नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिसिप्ट रिसिप्ट क्या होती हैं रिसिप्ट मतलब कोई पैसों का आना फाइनेंशियल इनफ्लो आप कह सकते हो फाइनेंशियल इन्फ्लो फाइनेंशियल इन्फ्लोस सिर्फ पैसों का आना बिज़नेस में वो हमारी रिसिप्ट होती हैं ठीक है थीके? या कुछ पैसा मिलना हमें वो हमारी रिसिप्ट होती हैं तो बिज़नेस एंटरप्राइस में हैव फाइनेंशियल इन्फ्लो इन द बिज़नेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से अलग तरीके से पैसा हमारे पास आ रहा होता है जो पैसा हमारे पास आ रहा होता है ना वो रिसिप्ट होती हैं अब रिसिप्ट भी दो तरह की होती हैं ये इंपॉर्टेंट है समझना ध्यान देखिए एक होती है कैपिटल रिसिप्ट एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट अब सर कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है रेवन्यू रिसीप्ट क्या होती है तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ सपोज करो आपका एक बिज़नेस है एक कंपनी है ए बी सी कंपनी है जो टॉयस बनाती है टॉयस मैन्युफैक्चर करती है उनके पास बहुत सारी मशीनस है वो उनसे टॉय बना रही है अब वो टॉय बेचकर जो पैसा उनके पास आता है वो हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट होता है क्योंकि ये पैसा हमारे पास रोज आता रहेगा जो पैसा हमारे पास रैकनिंग होता है रैकरिंग मतलब बार बार आना ये रैकनिंग होता है ये टॉय बेचकर हमारे पास जो पैसा आता रहता है ये नॉर्मल गुड्स हम सोल्ड करते हैं तो हमारे पास ये पैसा आता रहता है उसको हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं सपोज करो एक दिन आपने मशीन ही बेच दी मशीन सेल कर दी क्योंकि आपको लगा कि आप नई मशीन लेनी चाहिए पुरानी मशीन भेज देते हैं तो ये रोज़मर्रा थोड़ी करते हो आप कभी कभी बीच में लगा होगा तो ये पर पैसा यहाँ पे भी आएगा सेल की मनी तो यहाँ पे भी आई होगी वो मनी जो होती है ना वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आती है जो नॉन रेकरिंग होती है जो रोज़ रोज नहीं करते नॉन रेकरिंग रिसिप्ट होती है ये नॉन रैकरिंग रिसिप्ट होती हैं। तो याद रखना कि अगर जो गुड्स कंपनी में बन रहे हैं वो आप बेच रहे हो तो वो हमारे रेवन्यू रिसिप्ट होंगी आप सिंपल लिखो सेल ऑफ गुड्स अगर कोई गुड्स सेल करते हो तो सर वो रैकरिंग होती है वो बार बार करनी पड़ती है रिपीटिंग बोल सकते हैं वो हमारी रेवन्यू रिसिप्ट हो गया और वो चीजें जो हम बार बार नहीं करते जैसे सेल ऑफ एसिल लिखा मैंने तो वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो गया ठीक है इसको और सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात की जाए तो वो चीज़ें जो आप नॉर्मल बिजनेस में नहीं बना रहे जैसे मैं बैग्स बना रहा हूँ तो बैग्स अगर बेचूंगा मैं तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी अगर बैग बनाने वाली मशीन बेच दी या मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया जो मेरा रेगुलर बिजनेस में नहीं है तो वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट में आ गया आई होप आप वो कैपिटल रिसिप्ट और रेवन्यू रिसिप्ट आई होगी नेक्स्ट बेटा देखिए टर्म एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचरों के खर्चे जो बिजनेस करता है ठीक है एक्सपेंडिचर भी अगेन तीन तरह के होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ध्यान समझिए इसको क्या क्या होते हैं अब देखिए भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है डेफिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जैसे मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ सबसे पहले जैसे कि आपने ना एक फैक्ट्री आपकी सपोज करो फैक्ट्री में आपने वर्कर्स को वेजेस देनी है जो सैलरीज देनी है रेंट पे करना है ठीक है कोई इंश्योरेंस देनी है तो ये खर्चे क्या हैं ये खर्चे सिर्फ साल के अंदर अंदर आते हैं वन ईयर के अंदर अंदर आते हैं और एक साल के अंदर ही कंज्यूम हो जाते हैं वो खर्चे जो एक साल के अंदर आते हैं और एक साल के अंदर ही कंज्यूम हो जाते हैं वो हमारे रेवन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं तो अमाउंट इंकर्ड इन दी फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट ईयर जो करंट ईयर में ही कंज्यूम हो जाते हैं ठीक है उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाता है जैसे वर्कर्स को वेजेस देनी है सैलरीज देनी है रेंट देना है इंश्योरेंस देनी है तो ये खर्चे हैं एडवर्टाइजमेंट होगी ये भी खर्चा हो गया जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट लिख लेते हैं वो क्या आता है बेटा हमारा वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं ठीक है तो जिनका बेनिफिट जो होता है या वो खर्चे जो एक साल के अंदर अंदर हमें देने पड़ते हैं तो विद इन ट्वेल्व मंथ्स वो हमारे क्या होगी रेवन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है फिर सपोज करो आपने एक मशीन परचेज की आपने कहा कि काम सही नहीं हो रहा है काम करते एक मशीन परचेज कर लेते हैं खर्चा है मशीन खरीदी तो खर्चा हुआ ना आपने कोई असर खरीदा मगर इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा इस मशीन का बेनिफिट हमें फ्यूचर में, में मिलेगा तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा तो ठीक है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कह सकते हैं जिनका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है बेनिफिट ड्राइव्ड इन फ्यूचर जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है वो हमारे कैपलेक्समिचर हो गए जिसका बेनिफिट हमें उसी साल मिल जाता है जैसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हो जिसका खर्चा वो खर्चा जो उस साल हो जाता है उसका बेनिफिट उस साल मिल जाता है जैसे सैलरीज होगी आप वर्कर्स को हर महीने दोगे ना तो उसका बेनिफिट आपको उसी साल मिल जाएगा तो वो हमारे रेवन्यू एक्सपेंडिचर होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए डेफिड रेवन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं मेरा प्रीवियस मैंने आपको फिफ्टीशियसर पढ़ाए जो जो मैंने आपको फिकटीशियसर पढ़ाए वही हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं याद रखना जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल दी थी वही हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ठीक है सो आई होप आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाया होगा या yes, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो स्मॉल एक्सपेंस होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बिग एक्सपेंस होते हैं इस तरीके से याद सकते हैं इसको ठीक है नेक्स्ट हम देखिए बेटा एक्सपेंस एक्सपेंस हो गया खर्चा जो हम एक साल के अंदर अंदर करते हैं एक्सपेंस हो गया खर्चा जो हम एक साल के अंदर अंदर करते हैं उनको एक्सपेंस बोलते हैं एक्सपेंस वो सिंपल वे में कह सकते हो एक्सपेंस हो गया वो खर्चा वो एक्सपेंडिचर जो हम एक ही साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं जैसे मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था इसको आप एक्सपेंस भी लिख सकते हो ठीक है ये एक्सपेंसिव होता है अब एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं ध्यान समझिए एक होते हैं प्री पेड एक्सपेंस एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अब प्री पेड एक्सपेंस क्या होते हैं सर प्री पेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हमने पहले ही पे कर दिए हैं पर बेनिफिट बाद में लेना है ठीक है अमाउंट पेड इन एडवांस भाई बेनिफिट ही लिया अभी इसका पर मैंने क्या कर दिया एडवांस में पैसा पे कर दिया है अमाउंट पेड इन एडवांस बेनिफिट पेंडिंग है इसका बेनिफिट इज पेंडिंग बेनिफिट पेंडिंग है मगर आपने अमाउंट एडवांस में पे कर दिए तो वो सर क्या होते हैं वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं उसको, उसको ऐसा है खर्चा है जो आपने बोले अभी दे देते हैं बेनिफिट बाद में लेंगे तो प्रीपेड एक्सपेंस याद रखना एसेट्स होते हैं फॉर्म के लिए ठीक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बेनिफिट आपने ले लिया पर पैसे नहीं पे किए ठीक है बेनिफिट रिसीव्ड बट मनी या अमाउंट नॉट पेड अभी अमाउंट नहीं पे किया पर बेनिफिट ले लिया उसका तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि आपने बेनिफिट ले लिया हुआ है पर अमाउंट नहीं पे किया इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है आपने याद रखना है ठीक है नेक्स्ट बेटे टर्म में दैट इज इनकम इनकम हो गया कि कितनी मनी इनफ्लो कर रही है बिजनेस में ठीक है सिंपली वर्ड में कह सकते हो मनी इनफ्लो इन दिजनेस बिजनेस में कितना पैसा इनफ्लो कर रहा है जैसे आपने सेल्स ऑफ गुड्स किए गुड्स बेचे होंगे मनी आई होगी वो हमारी इनकम होगी ठीक है उसके बाद जो टर्म आती है बेटा वो आती है प्रॉफिट प्रॉफिट देखिए क्या होता प्रॉफिट को सिंपल वर्ड में बेटा कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो है जितना आपने कमाया हुआ है माइनस टोटल एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो आपका तो प्रॉफिट आ जाएगा ये प्रॉफिट हो गया ठीक है उसके बाद टर्म टर्म आई गेन गेन हो गया बेटा आपका आ, इसको सिंपल वर्ड से कहूं प्रॉफिट ऑफ इज रेगुलर नेचर प्रॉफिट ऑफ इज रेगुलर नेचर ये रेगुलर नेचर का नहीं होता यह रेगुलर नेचर का होता अब आप बोलोगे इसमें क्या हो गया सपोज करो आपने एक मशीन खरीदी थी एग्जाम्पल करते हैं फोर्टी तो फाइव थाउजेंड की अब ड्यू टू रूल मशीन हम बाद में बेचेंगे तो कम रेट में बिकेगी मगर यहाँ पे ज़्यादा रेट की बिक गई सपोज करो मशीन आपने सेल कर दी फिफ्टी थाउजेंड की बिकनी कम रेट की चाहिए थी मगर बिक गई ज्यादा की तो ये फाइव थाउजेंड जो है ना ये गेन हो गया आपको ये हमारा हो गया गेन अब नेक्स्ट हम देखेंगे बताया लॉस लॉस क्या होता है लॉस हो गया अनवॉन्टेड बटन अनवॉन्टेड बर्डन ये बर्डन आप नहीं चाहते थे पर आप पर आ गया हुआ है ठीक है तो विच डज नॉट जनरेट एनी रेवन्यू इससे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा ठीक है याच डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू इससे कोई रेवन्यू नहीं आ रहा होता तो वो हमारा लॉस होता है ठीक है ये आपको सिंपल तरीके से कह सकते हो सर यहां पे एक्सपेंस जो होंगे वो ज्यादा होंगे रेवेन्यू से वो हमारा लॉस हो जाएगा तो ये हो गया हमारे लॉस नेक्स्ट हम देखिए बेटा परचेस परचेस आपको पता ही है जब हम गुड्स को खरीदते हैं उसको परचेज बोलते हैं ठीक है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ फिनिश गुड्स फॉर सेल इज कॉल परचेज तो सिंपल लिख लो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ श गुड्स फॉर सेल इज कॉल्ड परचेज इज ठीक इसके साथ एक टर्म आती है परचेज रिटर्न यह उसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स कोर्स करो आपने ए बी सी कंपनी से कोई गुड्स मंगवाए थे आपकी कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड सपोज करो आपकी एक्स वाई जेड कंपनी है आपने कोई गुड्स मंगवाए थे इनसे फाइव हंड्रेड गुड्स मंगवाए थे आपने देखा कि फाइव हंड्रेड गुड्स में से टेन गुड्स ऐसे थे जो कि डिफेक्टिव थे डिफेक्टिव थे आपने इसको बोला कि ये गुड्स वापस ले लो आप ये गुड्स हमसे वापस ले लो क्योंकि डिफेक्टिव हो गए हुए हैं इस, इसी टर्म को हम बोलेंगे देंगे परचेज रिटर्न कि आपने गुड वापस रिटर्न कर दिए, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं ठीक है ये बेटा हो गया परचेज रिटर्न उसी तरीके से से, सेल सेल क्या होती है सेल होगी सेल ऑफ फिनिश गुड्स ठीक है टर्म इज टर्म सेल इज यूज सो फॉर द सेल ऑफ फिनिश गुड्स तो सेल सेल टर्म टर्म इज इज जब हम कोई गुड्स बेचते हैं तो हम सेल टर्म यूज करते हैं तो आसान हो गया तो सेल रिटर्न जिसको हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं जिसको आपने सामान बेचा करो आपकी कंपनी थी एक्स वाई जेड आपने गुड्स बेचा ए बी सी को गुड्स गुड्सोल्ड कर दिया आपने अभी आप रिटर्न कर रहा है आपको वापस कह रहे नहीं भाई अपने गुड्स वापस ले लो आप तो क्योंकि भैया मे भी डिफेक्टिव गुड्स निकले हों ठीक है तो मैंने बोला मे मैं भी डिफेक्टिव गुड्स निकले हों तो आपने कंपनी वाले वापस गुड्स रिटर्न कर दिया आपको तो उसी को हम बोलते हैं से रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड फिर नेक्स्ट टाइम आती बेटा स्टॉक स्टॉक हो गया अनसोल्ड गुड्स जो गुड्स नहीं बिके हैं हमारे लास्ट तक उसको हम स्टॉक बोलते हैं जो गुड्स नहीं बिकते ना हमारे अनसोल्ड गुड्स ठीक है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अकाउंटिंग ईयर के एंड तक जो गुड्स बच जाते हैं ठीक है तो वो नहीं बिकते उसको हम बोलते हैं स्टॉक उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं ठीक है क्लोजिंग स्टॉक यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है वो मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको तो ये होता है हमारा स्टॉक स्टॉक के बाद बेटा टर्म आती है आपकी डेटर्स सपोज करो आपकी कंपनी है ए बी सी इन्होंने गुड्स सोल्ड किए एक्स वाई जेड को गुड्स सोल्ड किए फिफ्टी थाउजेंड के आपने अब बोला एक्स वाई जेड को कि भई ये फिफ्टी थाउजेंड रुपीज हमें पे कर दो एक्स वाई जेड कहते हैं अभी पे नहीं करेंगे हम आपको ये पैसा सिक्स मंथ के बाद पे कर देंगे छः महीने के बाद पे कर देंगे मगर अभी नहीं पे कर सकते। तो इसका मतलब अब इसको आप एक्स वाई जेड ही बोलोगे इसको इसको आप बोलोगे डैटर्स क्योंकि आपने से पैसा लेना है तो ये गए डैटर्स ठीक है तो ये हो गया डेटर्स इसमें एक टर्म आती है बिल्स रिसीवेबल अब वो टर्म आपको यहीं समझाता हूं बिल रिसेबल क्या होते हैं जैसे कि आपने गुड्स बेचे थे एबीसी को एबीसी सॉरी गुड्स बेचे थे एक्स जेड को एबीसी समझो आपकी कंपनी है उन्होंने एक्स जेड को गुड्स बेचे थे एक्स जेड ने कहा कि पैसा आपको मैं छह महीने के बाद पे करूंगा तो एक्सपायर जेड हमारा डेट्रेस हो गया अब हम इस केस में एक काम कर सकते हैं एक बिल बनाकर ठीक है एक लेटर टाइप बनाकर उस पर लिखेंगे कि भाई ये पैसा जो है ये पैसा हमें जो एक्सपायर जेड है सिक्स मंथ के बाद पे करेगा तो उस पर क्या करेंगे सिक्स मंथ हो गया सपोज को थ्री मंथ्स हो गया चलो थ्री मंथ्स कर लेते हैं थ्री मंथ्स के बाद ये पैसा हमें कौन पे कर देगा जेड पे कर देगा तो हम एक बिल बनाकर ना किस साइन करवा कर किससे एक्स वाई जेड से साइन करवा के अपने पास रख देंगे तीन महीने के बाद जाएंगे उसको बोलेंगे भाई पेमेंट कर दो तो ये जो हमने बिल बनाया ना ये जो लेटर जी बनाई है इसी को बोलते हैं बिल ठीक है शॉर्ट फॉर्म इसी को बोलते हैं बिल फिर उसके बाद टर्म आती है हमारी क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स टर्म आती है अब सपोज करो एक्स वाई जेड कंपनी है आपकी ए बी सी कंपनी किसी और की आपने गुड्स परचेज किए किससे ए बी सी से, से। परचेज किए और आपने इसको बोला हम आपको पेमेंट जो है वो थ्री मंथ्स के बाद पे करेंगे तो अब आपको अब आप इसको ए बी सी नहीं बोलोगे आप इसको बोलोगे क्रेडिटर्स क्योंकि अब आप आपने इसको पैसे पे करने हैं ठीक है थीके? पैसा ले रहा नहीं आपने पैसा देना है इसको तो इसका मतलब ये अब आपके क्या हो गए कैडेटर्स होगी इस केस में ये क्या कर सकता है ये भी एक लेटर बनाकर आपको दे सकता है और बोल सकता है कि भाई इस पर साइन करके मुझे दे दो तो ये आपके लिए क्या हो गया ये हो गया बिल पेपर कौन सी ये जो लेटर पे आपने साइन करके दिए इसको ये कर, एक लेटर से बनाकर एक बिल से बनाकर बोलेगा इस पर साइन करके लिख के दे दो कि ये अमाउंट जो है आप मुझे थ्री मंथस के बाद पे कर दोगे तो वो उसके लिए हो गया बिल पेबल किसके लिए आपके लिए ये बिल पेबल हो गया सो ये हो गया हमारा बिल पेबल क्या एटर आपको समझ आई होगी हाई ओप अब नेक्स्ट अब में बेटा डिस्काउंट डिस्काउंट आप सबको पता ही होगा जो आपको छूट मिलती है ठीक है रिडक्शन इन प्राइस रिडक्शन इन प्राइस में जो आपको रिडक्शन मिलती है वो हमारी डिस्काउंट होती है ठीक है डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं ये मैं आपको एग्जांपल के द्रू तो समझाऊंगा ध्यान समझना एक होता है ट्रेड डिस्काउंट एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कैश डिस्काउंट क्या होता है सपोज करो आप एक कंपनी में गए एक्स वाई जेड आपने कहा कि एक अपने सपोज करो पेन खरीदने सपोज किया जाए पेन खरीदने तो पेन की कॉस्ट है हंड्रेड रुपीज़ आप उनको बोलते हो कि सर मुझे एक पेन नहीं खरीदना है मुझे आपसे थाउजेंड पेन खरीदनी है तो अमाउंट कितना बना वन लाख रुपीस अब बोलते मुझे बल्क में खरीदना है क्या खरीदना है बल्क में सामान खरीदना है थोड़ा मोटा नहीं खरीदना ज़्यादा खरीदना है वन थाउजेंड पेन लेने हैं आप बताओ क्या डिस्काउंट दोगे मुझे तो बोलेगा चलो हंड्रेड का लगाऊंगा आपको नाइन्टी फाइव का लगा दूंगा जो फाइव रुपीज़ हुए ना फाइव इंटू थाउजेंड आपको उन्होंने फाइव थाउजेंड का डिस्काउंट दे दिया उस डिस्काउंट का हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि वो आपको बल्क में खरीदने के लिए मिला तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है ठीक है कैश डिस्काउंट क्या होते हैं अब आप उसको बोलते हो कि नाइनटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ जो है ना वो वो मैं आपको इमीडिएटली दे दूंगा इमीडिएट दे दूंगा अभी पे कर दूंगा ये पैसा तो बताओ मुझे आप कितना डिस्काउंट दोगे तो आपको बोलता है अगर आप हमें सारा पैसा अभी पे कर दोगे आप एक काम करो नाइन्टी दे दो इसका मतलब फाइव थाउजेंड जो हुआ ना ये जो आपने इमीडिएट पेमेंट के लिए मिला हुआ आपको वो आपका कैश डिस्काउंट हो गया तो डिस्काउंट में दो तरह के होते हैं ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट तो डिस्काउंट आपको समझ आया होगा आई होप इसके बाद आपने टर्म याद रखनी है बैड डेट्स बैड डेट्स पैसा आपको अब नहीं मिल सकता डेटर से आपने किसी से पैसा लेना होगा उसने बोला कि अब आप आपको पैसा नहीं पे करूंगा तो वो हमारा पैसा क्या होगा बैड डेट हो गया तो आप लिखोगे दी अमाउंट दैट हैज बिकम इज रिकवरेबल रिकवर ए ठीक है फ्रॉम द डेटर्स फ्रॉम ए डेटर्स वो पैसा जो हमें डेटर से अब रिकवर नहीं होगा क्या पता उसकी डेथ हो गई या इंस्टॉलमेंट हो गया किसी भी वजह से तो ये बिजनेस के लिए लॉस हो जाता है उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स वो पैसा जो हमें लग रहा था मिल जाएगा जैसे सपोज करो आपने किसी को सामान बेचा था तो वो कह रहा था आपको तीन महीने के बाद पैसा दे दूँगा थ्री मंथ्स के बाद उसने मना कर दिया दे पैसा देने के लिए तो वो अमाउंट हो गया हमारा बैड डेट्स सो so स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आई होप सब बच्चों को ये टर्म्स समझ आई होंगी थैंक यू नो योर क्लास इज ओवर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को ही थैंक यू